गरीब बहू की जादुई चोटी। गोमती बहुत ही गरीब था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम बबीता था। बबीता देखने में जितनी सुंदर थी उतने ही लंबे घने उसके बाल थे। बबीता अपने बालों की चोटी बनाकर रखती थी। जब बबीता गांव के जिस गली से भी गुजरती तो औरतों के बीच उसके लंबे बालों की चोटी के चर्चे शुरू हो जाते। नीलम देख रही है बबीता जा रही है, हाय कितने सुंदर केश है, देख देख इसके लंबे बालों की चोटी कैसे नागिन के जैसे बल खा रही है। अरे मुझे नहीं देखना, उसके बालों की चोटी में जिया जलता है। तुझे पता है हमारे गांव के जितने भी बाके हैं ना, सब बबीता के लंबे बालों की चोटी पर लट्टू हैं, इसलिए कोई हमारी ओर देखता भी नहीं। सच बताओ मुझे तो इसकी चोटी से चिढ़ होती है। जहां गांव की ज्यादातर औरतें बबीता की जैसी मोटी चोटी चाहती थी, वहीं कुछ लड़कियां बबीता की चोटी से बहुत चिढ़ती थी। दिन गुजर रहे थे, एक दिन गोमती बबीता से बोलती है, बबीता बेटी कल तू ये सूट पहनकर तैयार हो जाना। क्यों माँ, कल कोई आने वाला है क्या? कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बस तेरे हाथ पीले हो जाए फिर चाहे मेरी मिट्टी उठ जाए। ये सुनकर बबीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह बोलती है, माँ खबरदार फिर कभी ऐसा कहा तो। अगली सुबह बबीता गुलाबी रंग का सुंदर सा सलवार सूट पहनकर अपने बालों की सुंदर सी चोटी बना लेती है। इतने में लड़के वाले हाजिर हो जाते हैं और जैसे ही सुनील की नजर बबीता के लंबे लहराती चोटी पर पड़ती है तो सुनील बबीता पर दिल हार बैठता है। माँ मुझे बबीता पसंद है। बेटा तेरी पसंद ही मेरी पसंद है, बहन जी हमें बबीता पसंद है। सुंदरता की खरी खान है आपकी बेटी और इसकी चोटी तो बड़ी सुंदर है। मगर समधन जी आप तो देख ही सकती हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको दान दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें दान दहेज नहीं चाहिए समधन जी, समधन जी इसकी सुंदरता के आगे सारा सौदा फीका है। आप बबीता को एक जोड़ी कपड़े में विदा कर दीजिए बस। इस तरह बीतते दिनों के साथ बबीता शीला की बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां अपनी सुहागरात पर सुनीता बबीता की चोटी छूते हुए बढ़ चढ़कर बबीता की चोटी की तारीफ करता है। बबीता तुम्हारी चोटी बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम है, जी तो चाहता है तुम्हारी जुल्फों के साये में सोया रहूं। अपने पति के मुंह से बालों की तारीफ सुनकर बबीता शर्मा जाती है। अजी ये तो मुझ गरीब की खुशकिस्मती है जो मैं इतने अच्छे खानदान की बहू बनी हूँ। अगले दिन बबीता सुबह उठकर बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभाती हुई सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। जहां बबीता को ससुराल के बाकी सदस्य से प्यार मिल रहा था तो वहीं उसकी ननद चांदनी अपनी भाभी की चोटी से चिढ़ पड़ती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, क्या खाना बनाया है तूने? तेरे ससुर एकदम खरी बात बोल रहे हैं बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था तूने, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए, 36 गुणों से भरी हुई है हमारी बहू। बस कीजिए इतनी तारीफ करेंगे तो ये गरीब के घर से आई भाभी घमंड से भर जाएगी। माँ लगता है चांदनी को हमारी की गई तारीफ से नहीं बल्कि बबीता की लंबी चोटी से चिड़ हो रही है ना। क्योंकि मेरी प्यारी बहन परकटी जो है। ये सुनकर चांदनी बबीता की चोटी को गुस्से से घूरती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है जिसके साथ साथ चांदनी की चढ़न आग के लावे के जैसी भड़क उठती है और एक दिन वह बबीता के तेल शैम्पू की अदला बदली करते हुए शातिर हंसी हंसते हुए कहती है, बहुत सुर्खियां बटोर ली इस गरीब ने अपनी लंबी चोटी से, अब ये शैम्पू लगने के बाद न बाल बचेंगे न चोटी। जैसे जैसे बबीता अपने बालों में उस शैम्पू का इस्तेमाल करती है बहुत ही ज्यादा उसके बाल झड़ने लगते हैं, जिसके बाद उसके बाल बहुत ही ज्यादा हल्के हो जाते हैं। ये देखकर बबीता शीशे के सामने खड़ी होकर खूब रोती है। पता नहीं मेरे बालों को किसकी नजर लग गई जो ये इतनी तेजी से टूट रहे हैं। इसी तरह बड़ी ही तेजी से बाल टूटने के कारण बबीता के सर पर कुछ ही बाल बच जाते हैं, जिसे देख शीला गुस्से से बेचारी बहू को घसीट कर घर से बाहर निकाल फेंकती है। माँ जी मुझे घर से मत निकालिए, बड़ी मुश्किल से माँ ने मेरी शादी की है, अगर मैं घर लौट गई तो वो मर जाएंगी। तेल लेने गई तू और तेरी माँ, मेरी गलती है जो मैंने तुझ जैसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाया, अब जा तेरी लंबी चोटी ही नहीं बची तो तेरा मेरे घर में क्या काम। ससुराल छूटने के बाद में बबीता सुनसान सड़क पर चल पड़ती है जहाँ उसे एक बेहोश बुढ़िया मिलती है। अरे इन अम्मा को क्या हुआ है? बबीता उस बुढ़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारती है जिससे वो बेहोशी से बाहर आ जाती है। अम्मा आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, वैसे बेटी तुम बड़ी परेशान लग रही हो। बुढ़िया को अपना हाल पूछता देखकर बबीता रोते हुए उसे सारा हाल बताती है, जिसके बाद बुढ़िया जैसे ही उसके सर पर हाथ फेरती है तो बबीता की पतली चोटी जादुई चोटी बन जाती है। बेटिया अब से तुम्हारी चोटी कोई आम चोटी नहीं बल्कि जादुई चोटी है,
जो तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। शुक्रिया अम्मा, मैं चलती हूँ। जादुई चोटी पाकर बबीता खुश होकर अपने ससुराल लौटकर अपनी सास को सब कुछ बताती है, जिसे देखकर बबीता की सास शीला का मन लालच से भर जाता है। क्या सच बबीता बहू, तू सच बोल रही है? तेरी चोटी जादुई हो गई है? जरा हमें भी तो दिखा अपनी जादुई चोटी का कमाल। जी ठीक है, ए मेरी जादुई चोटी, अपना कमाल दिखा। बहू के इतना बोलते ही उसकी जादुई चोटी सोने की सुंदर मोटी चोटी में बदल जाती है, जिसके अंदर से खूब सारे सोने चांदी के चमचमाते सिक्के बरसने लगते हैं। अरे वाह, तेरी चोटी तो सच में जादुई हो गई बहू, जीती रहे। बहू की जादुई चोटी से उसे ससुराल में बढ़कर मान मिलने लगता है, मगर शीला को जब भी जरूरत पड़ती तो वो बहू की जादुई चोटी से अपना लालच पूरा करती। बहू जरा अपनी जादुई चोटी तो घुमा, वो क्या है ना, लॉकर के सारे पैसे खत्म हो गए। बहू हिचकिचाती हुई अपनी सास के लिए जादुई चोटी की मदद मांगती है। ए मेरी जादुई चोटी, मेरी मदद करो, मुझे सोने के सिक्के दो। बहू के इतना बोलते ही उसकी चोटी सुनहरी चमक से भर उठती है और सोने के सिक्कों की बारिश करने लगती है। ये लीजिए माँ जी, इतने सोने के सिक्के ठीक है? हाँ, फिलहाल के लिए तो इतने से चल बन जाएगा। अरे ओ मेरी भाभी, कभी अपनी ननद के लिए भी अपनी चोटी का जादू चला लिया करो। हाँ क्यों नहीं चांदनी, ए मेरी जादुई चोटी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बबीता कितना कहते ही जादुई चोटी से खूब सारे चमचमाते सोने के सिक्के के ढेर लग जाते हैं, जिसे चांदनी अपने लिए ले लेती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शीला और चांदनी बबीता के जादुई चोटी से अपना मतलब निकालते हैं, जिसे देख बबीता आखिर में आवाज उठाती है। अरे बहू, जरा अपनी चोटी का जादू तो चला, पैसे फिर खत्म हो गए। अब इस महंगाई में खर्चे हो ही गए हैं इतने कि क्या कहा जाए। माँ जी, अब मैं अपनी चोटी का जादू नहीं चलाने वाली, क्योंकि अब मेरी चोटी आप लोगों के लालच का हिस्सा नहीं बनेगी। बहू तो भूल रही है, मैं तेरी सास हूँ और ये घर मेरा है, यहाँ तुझे मेरे हिसाब से चलना होगा। और तू अपनी जादुई चोटी से जरा सोना दे देगी तो क्या घट जाएगा? अगर तुझे इस घर में रहना है तो अपनी चोटी का जादू चलाना होगा। नहीं माँ जी, अब मेरी चोटी का जादू लालच के लिए नहीं चलेगा, बस गरीब लाचार लोगों की मदद के लिए चलेगा। आज से, इसी वक्त से मैं आपका घर छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर बबीता हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर अपनी गरीब माँ के पास मायके चली जाती है और अपनी पहली जिंदगी को भुलाकर अपनी जादुई चोटी से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है। चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी, सभी के चेहरे पर होली का रंग चढ़ा हुआ था। तभी कुछ बच्चे गरीब औनी के चौखट के आगे से होली खेलते हुए गुजरते हैं। किसी बच्चे के हाथ में पानी से भरी पिचकारी थी तो किसी के हाथों में रंगों से भरे गुब्बारे थे, जिसे देखकर अवनी उन बच्चों के पीछे हो लेती है। अरे वाह बिट्टू सिया, तुम्हारी ये पिचकारी तो बड़ी सुंदर है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ होली खेल सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें हमारे साथ होली खेलनी है ना, चलो हम तुम्हें जमकर होली खिलाएंगे। अवनी खुश होकर उन बच्चों के साथ होली खेलने आगे बढ़ जाती है। तभी बिट्टू और सिया उसे कीचड़ से भरे गड्ढे में गिरा देते हैं, जिससे अवनी के कपड़े कीचड़ में सन जाते हैं। तुम सब तो मेरे साथ होली खेलने वाले थे ना, फिर तुमने मुझे इस कीचड़ में क्यों गिराया? क्योंकि तुम जैसे गरीब की होली तो इस कीचड़ में ही होती है, क्योंकि तेरी गरीब दर्जी माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो तुझे एक पैकेट गुब्बारे या पिचकारी दिला सके। बड़ी आई थी, बड़ी आई थी हमारे साथ होली खेलने। अरे चल सिया, इस गरीब को कीचड़ में ही पड़े रहने दे। इसके बाद सभी बच्चे रंगों से होली खेलने लगते हैं और अवनी गड्ढे में ही रोते रहती है। तभी शाम का अंधेरा ढलने पर जब अवनी घर लौटकर नहीं आती तो उसकी गरीब माँ वसुधा, जो कि सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही थी, वो उसे ढूंढने निकलती है। अवनी, अवनी कहाँ है तू बेटी, अपनी माँ को आवाज दे, माँ मैं यहाँ हूँ। वसुधा अवनी को गड्ढे से निकाल कर उसे घर लाकर नहलाती है। अवनी वसुधा को पूरी बात बताती है। माँ आखिर हम दोनों इतने गरीब क्यों हैं माँ, कि हर साल हम दोनों माँ बेटी की होली यूं ही सूखे सूखे बीत जाती है। मुझे भी बहुत मन करता है माँ कि मैं रंग गुलाल से होली खेलूं, पिचकारी चलाऊं। हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए सब मुझे गरीब की बेटी बोलकर मेरी हंसी उड़ाते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है, उम्र बीत जाती है हड्डियां लगाकर रोटी कमाने में। ये होली दिवाली हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी। हिम्मत मत हारो माँ, देखना एक दिन आपकी ये बेटी इस गरीबी को मात देगी, आपको दिन रात कपड़े नहीं सीने पड़ेंगे माँ।
होली पर गरीब माँ की बेटी की उड़ी हंसी 8 साल की अवनी के मन में बैठ जाती है और उसी पल अवनी ये ठान लेती है कि वो पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। अगले दिन वो गांव के स्कूल में खिड़की पर खड़ी होकर अंदर झांकते हुए पढ़ने लगती है। अब ये सिलसिला हर दिन का हो जाता है, जिसे देखकर कक्षा अध्यापक दुबे जी अवनी के घर आकर दरवाजा खटखटाते हैं। उस पल वसुधा सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही होती है। कोई है अंदर? अरे आप तो दुबे सर है ना, गांव के स्कूल के अध्यापक। क्या ये आपकी बेटी है? जी सर, मेरी बच्ची से कोई भूल चूक हो गई है क्या? मैं बस आपको ये बताने आया था कि आपकी बेटी में पढ़ने लिखने का बहुत चाव है, आप इसे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं दिलवा देती? मैंने देखा है इसकी आंखों में कुछ कर गुजरने की चाहत है। अध्यापक की इन बातों ने उस गरीब दर्जी माँ को एक अनोखे हौसले से भर दिया था। वसुधा ने जुड़े हुए पैसों को खर्च कर अवनी को स्कूल में दाखिला दिला दिया। ऐसे ही दिन ढलता जाता है। गरीबी के कारण वसुधा दिन भर की भूखी प्यासी सिलाई मशीन पर बैठकर आंखें गड़ाए कपड़े सिलती रहती है। वहीं अवनी लालटेन की रोशनी में पढ़ती रहती है। इस बीच हर साल होली आती रहती है, मगर उन दोनों माँ बेटियों के लिए अब तक कुछ भी नहीं बदला था। देखते ही देखते कई साल का समय बीत जाता है। इसी बीच अवनी ने फर्स्ट पोजीशन से स्कूल की पढ़ाई पूरी की। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपकी बेटी की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई। ये बताते हुए अवनी की आंखें छलछला जाती है और उसके मुंह पर खिली खुशियों पर फीकापन छा जाता है। अरे अवनी, क्या हुआ? अभी तो खुशी से नाच रही थी। माँ, मुझे आपको छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। बेटी, यही तो जिंदगी का दस्तूर है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। और फिर जिस रोज तू अफसर बनकर आएगी, उस पल के बारे में सोच। ऐसा कहते हुए वो गरीब दर्जी माँ अपनी बेटी का हौसला अफजाई करती है, जिसके बाद अवनी शहर जाकर दिन की चैन और रातों की नींद झोंक कर कलेक्टर की पढ़ाई करती है। वहीं वसुधा अपने सिलाई मशीन के कामों में दिन रात उलझी रहती है। इसी बीच 5 साल बीत गए। इस बार भी होली आने की थी और तभी गौरी वसुधा के घर आई। अरे वसुधा, कैसी है? अच्छी हूँ गौरी बहन, तेरा चेहरा तो नहीं बता रहा कि अच्छी है। अरे ये दिन रात भूखी प्यासी रहकर किसके लिए खट रही है? उस बेटी के लिए जो पिछले 5 साल से शहर जाने के बाद किसी भी होली पर फोन करके तेरा हाल चाल भी नहीं पूछती। अब तो अवनी के आने की आस छोड़ दे, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए गांव की मिट्टी का मोल बदलते देर नहीं लगती। कल होली है, उसे आना होता तो अब तक आ गई होती। गौरी की ऐसी बातें सुनकर वसुधा की बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी चौखट के बाहर एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी आ रुकती है। अंदर से निकलने वाली कोई और नहीं थी बल्कि उसी दुखियारण गरीब दर्जी माँ की बेटी थी, जो इसी जिले की कलेक्टर बनकर लौटी थी। गौरी चाची, माना कि मैं अपनी माँ से कई मील दूर गई थी, मगर एक भी पल के लिए मेरे दिलो दिमाग से मेरी गरीब दर्जी माँ की गरीबी के लम्हे धुंधले नहीं हुए। देखो माँ, आपकी अवनी इस गाँव की कलेक्टर बन गई। हैप्पी होली माँ। ऐसा कहते हुए वो अफसर बिटिया रोते हुए अपनी माँ के गालों पर गुलाल लगाती है। वहीं वसुधा भी अपनी बेटी को रंग लगाती है। मेरी बच्ची, मैं जानती थी तू अपनी माँ की मेहनत का मोल लेकर ही लौटेगी। आज अफसर बनकर तूने अपनी गरीब दर्जी माँ के सर को गरिमा से ऊंचा कर दिया है। देखना माँ, ये हम गरीब माँ बेटी की पहली होली होगी जिसमें गम के बादल नहीं बल्कि खुशी के रंग होंगे। अगली सुबह से ही पूरे गांव में होली की धूम मच जाती है। होली के इस पावन अवसर पर वसुधा अपनी अफसर बेटी के मनपसंद पकवान बनाती है, जिसके बाद अवनी हर एक घर में अपने कलेक्टर बनने की खुशी बांटती है। वो सभी को मिठाई के डब्बे और रंग गुलाल देती है। अवनी, अब सारा दिन मिठाइयां ही बांटती फिरेगी क्या? अपनी माँ के साथ होली भी नहीं खेलेगी? बस माँ बस, मैं आती हूँ। आखिर में अवनी गुलाल और रंगों से भरी थाली और मिठाई लेकर एक दरवाजा खटखटाती है, जिसके अंदर से जाना पहचाना चेहरा बाहर आता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्कूल के अध्यापक दुबे सर थे, जिन्होंने अवनी के सपनों को सबसे पहले पहचाना था। अवनी बिटिया, अरे तू यहाँ है? हैप्पी होली सर। होली तो ठीक है, मगर तूने कलेक्टर के जैसे साड़ी क्यों पहनी है? क्योंकि आपकी स्टूडेंट अब इस गांव की कलेक्टर बन गई है। ये खुशखबरी सुनकर दुबे सर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उनकी आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं। मुबारक हो बेटी, मैं जानता था कि तुझ में बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा है, इसीलिए तू आज की आवाज बनकर उभरी है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा।
मगर मेरे सपने को सच करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका है सर। वरना इस जमाने में एक गरीब की बेटी को ऊंचे पद पर बैठा देखना किसी गरीब को कहाँ रास आता है। बस एक शिक्षक ही तो वो सारथी होता है जो अपनी शिक्षा का गुण अमीरी और गरीबी देखकर नहीं बांटता। हैप्पी होली सर, मैं चलती हूँ। आखिर में अवनी अपनी माँ के साथ बड़े हर्ष से होली का त्योहार मनाती है। किसी ने कहाँ सोचा था कि कल तक की गरीब दर्जी माँ की बेटी के सर पर आज उसी गांव की कलेक्टर का ताज मिलेगा। मगर कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाकर ही छोड़ती है। आज अवनी और उसकी माँ गांव भर में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा गांव वसुधा को कलेक्टर साहिबा की माँ कहकर पुकारता है।